नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप सभी का इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट के इस सेगमेंट में मैं आज स्वागत नहीं करूंगी क्योंकि हमारे बीच एक बेहद ही टैलेंटेड सिंगर नहीं रहे हैं। जी हां, मशहूर सिंगर केके के निधन की अचानक आई खबर ने फैंस से लेकर पूरी मनोरंजन इंडस्ट्री को हैरत में डाल दिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के कुछ देर बाद मंगलवार को उनका निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। 53 साल के ने हिंदी के अलावा तमाम भाषाओं में 500 से ज्यादा गानों में अपनी आवाज दी थी, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ये मशहूर सिंगर स्वभाव से काफी शर्मीले थे। कैमरा फेस करने से केके काफी परहेज करते थे। जी हाँ, कैमरे से दूर भागते थे केके। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये खुलासा किया था और जब उनसे पूछा गया कि वो कैमरे से इतना दूर क्यों भागते हैं और लाइव कॉन्सर्ट्स में कैसे परफॉर्म कर लेते हैं, इस पर केके ने जवाब दिया, मुझे कैमरे से घबराहट महसूस होती है। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान कैमरा आप पर फोकस रहता है, लेकिन जब एक बार मैं गाना शुरू कर देता हूँ तो भूल जाता हूँ कि मैं कैमरे के सामने हूँ। हिंदी के अलावा और कई भाषाओं में केके ने गाने गाए हैं। कृष्ण कुमार उर्फ केके फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर गायकों में से एक थे। केके ने अपनी आवाज़ में कई गाने गाए। उन्होंने मराठी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल गानों में अपनी आवाज़ दी, जबकि हिंदी फिल्म के जिन गानों को उन्होंने आवाज़ दी थी वो काफ़ी हिट रहे और विज्ञापन जिंगलों से केके ने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, फिलहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम भी इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट की पूरी टीम की तरफ से केके को एक भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।